हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल, और आज हम लोग बात करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है हमारे रिएक्ट में और कैसे हम उसको यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो इस केस से समझेंगे कि कोई भी डाउट ना रह जाए इस वीडियो के बाद, आपको कहीं दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ये हमारे होप रहेंगे सर। तो इसकी वजह से हम लोग पहले क्या करते हैं कि अवेयर हो जाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, हमने ऐप डॉट जेएस को इनहेरिट किया है जो कि रेंडर होगा हमारे रूट एलिमेंट में। अगर रूट में दिखाऊं तो यहाँ पे पब्लिक में जा कर के जो हमारा पब्लिक में आकर के यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे रूट है, ये रूट यहाँ पे जाके एग्जीक्यूशन होती है, इनकी रेंडर होता है। तो रेंडर कराने का काम क्या करता है, इंडेक्स डॉट जेएस, और किसको कराएगा रेंडर, ऐप डॉट जेएस को। इतने कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, अगर आ गई हो तो कमेंट में करना। हाँ, अब हम लोग बिना लेट किए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस कैसे समझते हैं, पहले हमें क्या करना होगा, रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट रिएक्ट, कैपिटल आर रहेगा, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इतना करने के बाद हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शनल कंपोनेंट पहले हम लोग बना लेते हैं। ये इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, या मैं इसके डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, वैसे भी हम लोग करके देखेंगे अभी, और फिर क्लास ऐप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और अगेन हम लोग रेंडर कर देंगे। हमें रेंडर क्या करना है तो वो इनसाइड होगा, और फिर रेंडर के साथ रिटर्न करते हैं। रिटर्न में हमें H1 मान लो कोई करना है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास कंपोनेंट, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी आएगा नहीं वो, ये दो दो क्लास खुले क्या। ये पहले के फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं यहाँ पे, आई होप। हाँ भाई, क्लियर, npm स्टार्ट, देखते हैं क्या इशू आता है यहाँ पे। सॉरी, cd, और पहले तो हमें ऐप यहाँ पे माई ऐप में जाना पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पहले कहाँ पे आना पड़ेगा, माई ऐप। पहले हम लोग माई ऐप पे आ जाते हैं, क्या हो रहा है आज, माई ऐप, और देन npm स्टार्ट। हाँ, ये पहले जो एग्जांपल थे हमारे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वही मैं चेक कर रहा था कि ये पहले की ही चीज़ें ले रखा है। तो हमें पहले इस केस से यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा सारी चीज़ें, और सेव करना पड़ेगा, और देन
ये हो गया। हाँ, अब हम लोग अपना फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से ओवर करते हैं, जिससे आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ऐसा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट जो था ट्यूटोरियल, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास और एक्सटेंड क्लास के पहले हमें ऐप लिखना पड़ेगा, किसको कर रहे हैं, एक्सटेंड। और आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट भी लिख सकते हैं और कंपोनेंट भी ले सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग अभी समझेंगे। और यहाँ पे हम सिंपल रेंडर करा रहे हैं। रेंडर जब भी होगा वो एक रिटर्न लेगा, रिटर्न, और यहाँ पे फ्रेगमेंट हमने लिया है सिंबल और H1 टैग, जिसके अंदर ये हमारा HTML नहीं होता है, JSX होता है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग समझेंगे, वो इनसाइड होता है, इसकी वजह से हमें दिखता नहीं है। ये हमारा कौन सा है, क्लास बेस्ड, क्लास कंपोनेंट, कंपोनेंट। और सेव किया तो यहाँ पे हम लोग साइड पे गए और यहाँ पे देखें हमारा क्लास कंपोनेंट इनहेरिट हो गया, जो हमारा एच बात करें हम, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। तो यहाँ पे हमारा क्लास कंपोनेंट जो है वो इनहेरिट हो गया और क्लास कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा बॉयलर प्लेट होता है। अगर मैं इसको चाहूँ, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है। इसको हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट को एक्सपोर्ट करने में यूज करते थे, वैसे यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट और जो हमारा नाम है कंपोनेंट का, उसको यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू जो है वो हमारा सेम आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करके देखूँ, क्लास कंपोनेंट FIST फर्स्ट और सेव किया, तो क्लास कंपोनेंट फर्स्ट आ गया। तो इस तरीके से क्लास कंपोनेंट सेम, ठीक है। तो ऐसे करके रेंडरिंग होता है। इसको बनाते कैसे, अगर मैं बात करूं आपका नॉर्मल, जब भी हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट करते हैं, अगर यहाँ पे हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ना लिख के केवल कंपोनेंट लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये रिएक्ट है यहाँ से हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट करके और यहाँ पे हम लोग इनसाइड कर्ली ब्रेसेस कंपोनेंट लिख करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। फिर भी हम सेव करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो सेम आएगा। देखो आप, ये सेम आ रहा है वैल्यू। अगर हम यहाँ पे कुछ सेकंड, तो सेकंड आ गया, आप देख रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे कई सारी वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और इसी के जस्ट बाद हम लोग दो तीन कंपोनेंट बना करके क्लास कंपोनेंट, और उसको एक दूसरे से कोलेबरेट करेंगे और अपने जो डोमेन पे है वो हम देखेंगे उसके रिजल्ट। जैसे सपोज बात करो कि यहाँ पे एक हमारा क्लास कंपोनेंट है, सपोज n नंबर ऑफ क्लास कंपोनेंट हो, उनको हमें एक के साथ बाइंड अप करना है, जिसमें कि ऐप हमारा मान लो कि एक प्राइमरी क्लास कंपोनेंट है, जिसमें एज अ लीडर रोल अदा करेगा, सारी क्लास कंपोनेंट एज अ कॉलिंग डिपेंडेंट होंगे। जब भी हम कॉल करेंगे तो वो हमारे ऐप डॉट ऐप में कंपोनेंट में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो थैंक यू टू ऑल, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा करने से
हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं तो लोग नहीं देखते हैं, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में ही देखेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।